नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी, जिसका टीजर रिलीज होते ही पूरे देश भर में तहलका मच गया था। वो टीजर इतना प्रभावशाली था कि बस लोग ये कहते ही रह गए कि वाह, कंगना का क्या लुक है, कितनी जबरदस्त वो श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके लुक में नजर आ रही है। और जिस प्रकार से वो उनके अंदाज में डायलॉग डिलीवरी करती हुई नजर आई थी, वो तो माइंड ब्लोइंग था, सुपर था। तो दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग लगातार जारी है और फिल्म की कास्ट के बारे में भी नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि अनुपम खेर इस फिल्म में जेपी नारायण, यानी कि हमारे जो महान नेता हुए जयप्रकाश नारायण, जो कि इमरजेंसी के टाइम एक महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने किस प्रकार से विपक्षी नेताओं को एकजुट किया था और किस प्रकार इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, उनका रोल अनुपम खेर प्ले करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो दोस्तों, कास्टिंग से संबंधित अब एक और नई न्यूज सामने आ गई है। हमारे महान प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें भारत रत्न भी मिला था, ओजस्वी वक्ता, एक महान नेता तो थे ही, साथ में ओजस्वी वक्ता थे और सरल हृदय कवि थे। तो दोस्तों, उनका रोल इस फिल्म में सेरियस तलपड़े निभाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी खुद कंगना रनौत ने मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज, अटल जी जैसे दिग्गज नेता का किरदार निभाने के लिए श्रेयस तलपड़े से बेस्ट चॉइस कोई नहीं हो सकती है। दरअसल दोस्तों, जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी 1977 के दौरान इमरजेंसी लगाई गई थी, करीब 21 मंथ्स के लिए ये इमरजेंसी देश पर लागू की गई थी, उसके बारे में ये फिल्म है। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री अटल जी थे वो काफी यंग थे, तो उनके इस यंग रोल को प्ले करने के लिए श्रेयस तलपड़े को चुना गया है। और श्रेयस तलपड़े ने भी ये जानकारी अपने ट्विटर पर दी है और उन्होंने कहा है कि मैं अटल जी जैसे महान नेता, मैसेज के नेता और एक दूरदर्शी नेता, एक देशभक्त नेता, ऐसे कई शब्दों का उन्होंने यूज किया है कि ऐसे महान नेता का मैं रोल करने के लिए बहुत ही बेताब हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ और मैं बहुत ही गर्व का अनुभव मतलब महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये रोल निभाने का मौका मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने कंगना रनौत को धन्यवाद भी कहा और उन्होंने कहा कि कंगना रनौत जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस है उतनी ही शानदार डायरेक्टर भी है और उनके डायरेक्शन में काम करके मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगी, ऐसा श्रेयस तलपड़े ने लिखा है। और दोस्तों, इमरजेंसी फिल्म की शूटिंग जोरों से जारी है और जैसे जैसे इस फिल्म के बारे में और कास्टिंग के बारे में और किसको कास्ट किया जाता है, कौन से कलाकारों को कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति का, महत्वपूर्ण लीडर का रोल करने के लिए चुना जाता है, जैसे ये रिपोर्ट्स आती है, मैं आपको लगातार अपने चैनल पे देता रहा हूँ और देता रहूंगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता का रोल ईमानदारी से निभा पाएंगे, कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।